तो बात करेंगे टीकाकरण के नए रजिस्टर को, जिसको आप लोग पंजी नंबर 6 के नाम से जानते हैं, जो कि समेकित तो बाल विकास सेवाओं के द्वारा मिलता है, मतलब ICDS के द्वारा। तो टीकाकरण का जो नया रजिस्टर है उसको हम देखेंगे कि इसको हम कैसे फिलिंग करनी है, क्योंकि इसमें बहुत ही सरलता के साथ कॉलमों को दिया गया है। इससे पहले का जो रजिस्टर था उसमें कॉलमों को इतनी सरलता से नहीं दर्शाया गया था। आप देख सकते हैं इसमें क्रमांक, परिवार संख्या, परिवार में क्रम संख्या, शिशु का नाम। यहाँ पे शिशु का नाम आपको फिलअप करने के बाद माता पिता का नाम, इनमें से किसी एक का मोबाइल नंबर यहाँ पे कंपलसरी है, आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ आपको जो भी लिंग है बालक की, बालक या बालिका है। फिर उसमें जो नाम दर्ज करने का दिनांक, मतलब जिस भी दिन रजिस्ट्रेशन किया गया होगा तो उस दिन को आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। अब उसके बाद देखिए जन्म के समय, जो उनको टीके लगे हैं इन चार में से, तो जन्म के समय वाले आपको टीके यहाँ पे लिखने हैं, जैसे कि OP भी है, BCG है, तो ये सब चीज़ें आपको। फिर देखिए डेढ़ माह वाला आराम से दिया गया कि डेढ़ माह में ये चार टीके लगते हैं, इन चार में से कौन सा उस बालक या बालिका को लगा है। फिर ढाई महीने में जो उसी के हैं, जैसे कि रोटा का है, पेंटावायरस का है, तो ये चीज़ें आपको ढाई महीने, उसके बाद 3.5 महीने के टीके सभी दर्शाए गए हैं। फिर 9 से 12 माह के जितने भी टीके हैं, विटामिन ए है, बूस्टर का टीका है, DPT का टीका है, वो सभी आपको यहाँ पर दर्शाए गए हैं फिलअप करने के लिए। फिर 16 से 24 माह का जो भी टीका लगता है, फिर 5 से 6 वर्ष, फिर 10 साल और 16 साल में जो भी टीके लगते हैं विवरण के साथ, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी। तो इस तरीके से जो टीकाकरण का ये पंजी नंबर 6 का नया रजिस्टर है, ये बहुत ही सरलता के साथ यहाँ दर्शाया गया है फिलअप करने के लिए। वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो।